everyone, my name is Arman. Welcome back to my English YouTube channel. I have come back with new video and today it's our new topic and today our it is maths class. So आज की जो है हमारी maths class है और आज हम maths की class में क्या सीखने वाले हैं आपको समझ में आ चुका होगा, title और thumbnail आपने देख लिया होगा. तो आज जो है हम आज हम क्या सीखने वाले हैं, addition of fractions. यानी हम फ्रैक्शन का जो है किस तरीके से एडिशन करें, ऐड किस तरीके से करें. लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. आज हम एडिशन देखने वाले हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्रैक्शन का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है. मैंने आपको शायद पहले भी बताया, न्यूमिरेटर अपॉन डेनोमिनेटर होता है. जैसे 4/6 है तो न्यूमिरेटर क्या है, 4 है और डेनोमिनेटर 6 है. ये तो शॉर्ट फॉर्म है. अगर हम इसे खुलकर लिखते तो ये होता है न्यूमिरेटर स्पेलिंग एंड ये होता है नीचे वाला डेनोमिनेटर. सो आप इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये बेसिक चीज है. अगर आपने फ्रैक्शन का चैप्टर समझना है तो ये चीज आपको दोनों चीज जो है मालूम होनी चाहिए, न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है. न्यूमिरेटर ऊपर वाला और डेनोमिनेटर नीचे वाला फ्रैक्शन से. सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4/2 + 3/6 + 4/3. सो गाइस आप पहले ये देखो नीचे वाली कितनी संख्या है, 3 है. तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 6 और 3 इन तीनों का ही जो है हम एलसीएम निकालेंगे. सो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका. सो यहाँ पे हमारी संख्या है 2, 6 और 3. सो फर्स्ट हम छोटी संख्या से करते हैं, इसका डिवाइड 2 आ गया हमारा. उसके बाद 2, 3 + 6 चल दिया हमने और 3 का हम 3 उतार देंगे. सो हम अगली बार में 3 जो है इससे हम 2 से बड़ी संख्या ले लेते हैं, 3 से कट जाएगा. तो यहाँ पर आ गया 3 × 3 = 3. सो गाइस हमारा जो आंसर है ये 2 और 3 है. अब हमें क्या करना है, 2 और 3 को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2, 3 ये हो जाएगा हमारा 6. 2, 3 + 6 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस इसके नीचे यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे यानी डेनोमिनेटर वाले साइन में हमें यहाँ पर 6 लिख देना है. इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो 6 है हमारा उसे हमें 2 से डिवाइड करना है. तो हम अगर 6 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3 + 6 जनरली सिंपल सो क्वेश्चन 3 आ जाएगा. फिर 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे 4, 3 आ गया हमारा 12. इसके बाद हमें ऐड का निशान लगा देना है साइन. उसके बाद 6 है तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे 3 × 3. उसके बाद हम प्लस का निशान लगा देंगे, फिर जो है 6 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे. सो 6 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3×2 = 6. सो यहाँ पे हमारा 2 आ जाता है. तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2 का, तो 4×2 = हमारा 8. इतना करने के बाद गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐड कर देना है. 12 और 3 के इतना होता है 15 होता है. 15 और 8 को हम जोड़ देंगे. सो यहाँ पे 15 और 8 को हमने जोड़ दिया. 8 और 5 कितना होता है, 3 यहाँ पर बना गया यानी 23 होता है. सो यहाँ पर मैंने लिख दिया 23/6. ये हो गया न्यूमिरेटर और ये हो गया डेनोमिनेटर. गाइज अभी जो है ये पूरा आंसर जो है अभी नहीं आया है. अभी हमें क्या करना है, 23 को जो है 6 से जो है डिवाइड करना है. सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 23 को 6 से डिवाइड. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 6 × 3 = 18. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा रिमाइंडर. सो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, उसके बाद पॉइंट ले लिया हमने, 6×8 = 48. यहाँ पे हमारा 2 आ गया, हमने 0 उतार लिया, 6×3 = 18. सो इतना इनफ है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3.83. या आप इसे जो है ये भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6×3 = 18 और यहाँ पर आप 5 भी लिख सकते हो. 18 और 5 कितना होता है, 23. सो यहाँ पर आपका जो है ये आंसर हो जाएगा. ओवरऑल आपका जो है यही आंसर है. सो आपका जो है ये आंसर आ चुका है. सो गाइस आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में समझ में आ चुका होगा कि हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं.
So please subscribe my channel. Don't forget to like this video and share to your friends. So take care.